जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ पंकज रजक जी हैं जो हजारी इंडिया टीम में हॉकी खेलते हैं। इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है इनका और कितने मैच खेल चुके हैं, देश विदेश में कहीं भी गए हैं, एशिया कप अभी खेल कर आए हैं। हजारीबाग सेंट रॉबर्ट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको इंडिया टीम में आने के लिए पंकज जी, और हमारे चैनल में बात करने के लिए। आप बताइए, आपका जर्नी कैसा रहा, कैसे शुरू किया आपने? पहले तो धन्यवाद सर। तो जर्नी सर मेरा 2010-11 से शुरू हुआ था। हाँ। संत रॉबर्ट में ही जाता, तो स्कूल से ही लड़के जाते थे और कॉलोनी से भी जाते थे हॉकी खेलने के लिए, फ्रेंड लोग से ही जाते थे। तो उनको देख के ही कि साथ में जाने लगा, स्टार्ट किया, फिर वहीं से धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। तो क्या आपको जब शुरू किया था, हॉकी स्टिक पकड़ा था, तो आपको लगा था कि इंडिया तक पहुंच जाएंगे इतनी कम उम्र में एकदम? सर जब पहली बार हॉकी स्टिक पकड़ा था ना, वो भी मुझे याद है कि दूसरा का ही पकड़ा था, अपना नहीं पकड़ा था। अच्छा। और क्योंकि हॉकी स्टिक उस समय नॉर्मल लकड़ी वाला भी 250-300 का आता था। हाँ। और उस समय इतना पैसा बहुत होता था हम लोग के लिए, 250-300 रुपए। तो 250-300 बहुत होता था, समझिए। देखिए 250-300 को हॉकी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, दूसरे के हॉकी से खेलना स्टार्ट किया था। जी सर, वो भी एक सीनियर प्लेयर था, उसका हॉकी ऊपर से टूट गया था। अच्छा। तो उसको मैं काट के छोटा हॉकी बना दिया, वो हॉकी फिर यूज करता था मैं। अच्छा। ऐसा फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पे हॉकी इंडिया लिखा हुआ है, मैं कैमरा को बोलूंगा थोड़ा दिखाए। तो ये पहनने के बाद बिल्कुल गर्व का महसूस होता होगा, इंडिया बेस्ट सीक्रेट ओडिशा। ये ओडिशा टीम में भी आप गए, मतलब क्या ऐसा ओडिशा? नहीं, ये ओडिशा गवर्नमेंट स्पॉन्सर है हॉकी। अच्छा। हॉकी टीम को और रग्बी टीम को। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो भी जर्सी में रहता है उनका लोगो रहता है। ये नेशनल गेम है झारखंड का, इंडिया का ही नेशनल गेम है हॉकी, और झारखंड में बहुत हॉकी प्लेयर्स रहते हैं। ओडिशा ने स्पॉन्सर भी किया, ओडिशा गवर्नमेंट ने। तो ये बताइए कैसे, मतलब पहला सीढ़ी क्या था आपका, स्कूल लेवल से कहाँ गए, डिस्ट्रिक्ट गए, स्टेट गए, इंडिया टीम, कैसे हुआ जर्नी जो हुआ पूरा, कैसे हुआ? तो पहली बार यहाँ से हजारीबाग टीम से डिस्ट्रिक्ट हम लोग गए, रांची खेलने गए। हाँ। वहाँ पे स्कूल नेशनल का ट्रायल हो रहा था। अच्छा। तो वहाँ से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ झारखंड टीम में। हाँ। झारखंड टीम से फिर हम गए थे अंडर 14 छत्तीसगढ़। अच्छा। छत्तीसगढ़ में जबलपुर करके कोई जगह है, वहाँ पे हुई थी हमारी टूर्नामेंट। तो हम लोग का पहला टूर्नामेंट था और हम लोग जीत गए वहाँ पे। अच्छा। तो फिर वो जो मैम टीम लेके गई थी झारखंड की, उन्होंने देखा मुझे और उनको मैं बहुत शायद पसंद आ गया हूँ। अच्छा। तो वो बोली कि तुम रांची का, उन्होंने फिर आगे का थोड़ा रास्ता दिखाया। हाँ। कि अगर तुमको इम्प्रूवमेंट करना है तो आगे का ऐसे जाओ, रांची साई जाओ, हॉस्टल है वो, स्पोर्ट्स हॉस्टल, तो वहाँ पे जाओ, प्रशिक्षण लो वहाँ से फिर और आगे खेल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो फिर मैं भी उनका गाइडेंस लिया, फिर कुछ दिन के बाद रांची साई का ट्रायल था। अच्छा। मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर 2 साल था वहाँ पे मैं। 2 साल साई में रहे रांची में? हाँ, रांची साई में था। फिर झारखंड से टूर्नामेंट खेला, जूनियर नेशनल खेला, सब जूनियर खेला, 1 साल तो सब जूनियर में झारखंड टीम का कैप्टन भी था मैं। अच्छा। जी, फिर मैं सेल हॉकी एकेडमी और ज़्यादा अच्छी प्रशिक्षण लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर रह के फिर मैं एक तरह से रुक सा जाऊँगा, ऐसा मेरे को फील हुआ। आगे अगर खेलना है तो, क्योंकि अगर वहाँ झारखंड में रह के मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाता। हाँ। बट मेरे को ऐसा लग नहीं रहता कि आगे और खेल सकूँगा। अच्छा। तो इसलिए मैं सेल हॉकी एकेडमी जो कि स्टील प्लांट की है वहाँ पर चला गया मैं। वहाँ पे मैं प्रशिक्षण लिया, वहाँ से फिर उस टीम से फिर मैं नेशनल खेला, फिर वहाँ से मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, मतलब इंडिया के जो टीम होता है। तो कितने लोग थे उस कैंप में? सर जब मैं सबसे पहली बार गया था 2014 में कैंप में, तो 60 बच्चों को बुलाए थे। अच्छा। 60 में जिस प्लेस से मैं खेलता हूँ गोलकीपर, उसमें 10 गोलकीपर आए थे। गोलकीपर हैं आप? जी। क्या बात है, देखिए गोलकीपर है, मतलब सबसे ज्यादा दारोमदार इंडिया टीम का इन्हीं पे ऊपर रहता होगा, क्योंकि एक गोलकीपर अगर मतलब गलती से भी मिस करता है तो, मतलब आप गोलकीपर बोले तो मुझे याद आ गया, मेरा एक फ्रेंड है राजीव नाम है, हमारे जेवियर स्कूल में था, पढ़ता था, इतना जबरदस्त गोलकीपिंग करता था। तो वही एक पूल तैयार कराई, बैंगलोर में रहता है, गोलकीपर लोग का एक पूल करा, वो आता है यहाँ, बोलता है गोलकीपिंग में कोई जाना ही नहीं चाहता है, सब स्ट्राइकर बनना चाहता है। तो आप बहुत खुशी हुआ हमको ये देख के कि आप गोलकीपर हैं। गोलकीपर हॉकी गोलकीपर बहुत कोई नहीं जाना चाहता है, इसका रीजन भी है क्योंकि उसका जो किट है वो एक तो बहुत कॉस्टली है, और ऊपर से लास्ट डिफेंडर आप है, अगर आपसे मिस हो तो पूरी टीम की, पूरा इंडिया टीम आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो बताइए आप कैसा रहा एक्सपीरियंस एज ए गोलकीपर, क्या रहा एक्सपीरियंस? सही था सर, एज ए गोलकीपर बहुत कुछ आपको, क्योंकि पूरा गेम आप रीड करते हो, हर एक प्लेयर की अच्छाई और बुरा, मतलब जो मिस्टेक होती है वो आपको दिखता है। हाँ। तो एक तरह से आप अपने आप को भी ऊपर डे बाई डे इम्प्रूव करो, और अगला प्लेयर को भी गलती आपको दिखता है तो उनको भी बता के आप
कर सकते हो, गोलकीपर सब सर, गोलकीपर एज ए लीडरशिप होता है गेम में। तो क्या ऐसा डर लगता होगा कभी कि एक गोल मिस हुआ तो मतलब सब लोग हमको बोलेगा कि मिस करके ऐसा? सर ये स्टार्टिंग में होता था तो ये सभी लोगों के साथ होता है स्टार्टिंग में, और कोई कोई प्लेयर होते हैं कि अगर गोल, कोई कोई आपको अगर गोल है तो सीनियर है तो वो आपको एक अपने साथ ऊपर लेके जाते, कोई बात नहीं नेक्स्ट बॉल पे ध्यान दो, लेकिन कोई कोई प्लेयर होते हैं एक गोल हो गया तो एक क्या कर रहा है तो ये डिमोटिवेट करते हैं, वो पार्ट ऑफ गेम है। तो हमें सेलेक्ट करना है कि किसको अपने माइंड में रखना है किसको नहीं, क्योंकि गलत थॉट को अगर माइंड में बढ़ाएंगे तो फिर हम नेगेटिव में जाएंगे। बिल्कुल। तो गोलकीपर कभी ऐसा इंजरी बॉल से लगा ये वो? सर बॉल से तो लगता ही है, काम नहीं लगता है, हर गोलकीपर को लगता है। और बॉल से सर, बॉल से लगेगा तो एक तरह से डर भी अंदर कहीं ना कहीं घुस जाता है, तो वो सब चीज को फिर आप वो सब चीज से भी आपको बाहर निकलना है, दर्द से, डर से। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ पंकज दजक जी हैं जो गोलकीपर इंडिया के हैं, तो आप लोग कहीं मैच देखेंगे तो गोलपोस्ट जरूर देखेंगे, ये दिखेंगे बहुत आसानी से, और गोलकीपर पूरे मैच में बहुत अहम रोल निभाता है। तो इंडिया टीम से कहाँ कहाँ गए आप खेलने के लिए? इंडिया टीम से सबसे पहला मेरा टूर था जो वो था हॉलैंड में। अच्छा। ठीक। हॉलैंड में था 2015 में। फिर उसके बाद एक सीनियर टूर था जो मुझे खेलने का मौका मिला था, क्योंकि उस साल HIL में सीनियर प्लेयर जितने भी थे वो बिजी थे। अच्छा। जैसे क्रिकेट में IPL है, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ ताकि सब समझ जाएं, जैसे क्रिकेट में IPL होता है उस समय हॉकी का भी HIL होता था। अच्छा। तो सारे सीनियर प्लेयर HIL में बिजी थे, तो एक सीनियर टूर्नामेंट था साउथ एशियन गेम जो गुवाहाटी में होता, तो उसमें हम लोग को मौका मिला, क्योंकि हम लोग HIL में नहीं खेल रहे थे, तो हम लोग को सीनियर इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला कम एज में सीनियर टीम से खेल गए। तो फिर उनमें खेला, फिर एक उसी साल अंडर 18 था एक बांग्लादेश में। अच्छा। एशिया कप, उसमें हम लोग ने गोल्ड जीता और बेस्ट गोलकीपर भी था मैं। जी क्या बात है, मतलब 2018 में जो 2016 में ही बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिल गया, देखिए आज से 6 साल पहले बांग्लादेश में जाके ना। जी उसके बाद 2017 में मलेशिया, 2018 में मलेशिया, फिर 19-20-21 जूनियर। लॉकडाउन जो रहा उसमें क्या हुआ? लॉकडाउन से पहले सर मैं जूनियर टीम से बाहर हो गया। अच्छा। एज इशू रहता है जूनियर में, और सीनियर में कि सीनियर लोग पहले ही से ऑलरेडी हैं, तो उनको फिर बीट करना, उनके साथ जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी टूर्नामेंट नहीं हो तो वो बीट नहीं हो, तो कहीं ना कहीं फिर मैं 2-3 साल बाहर था। फिर अभी नेक्स्ट लास्ट ईयर में कमबैक किया सीनियर टीम में, अभी मतलब कैम पूरा प्रॉपर इंडिया टीम सीनियर टीम खेलता है। जी जी। और फिर वहाँ से कहाँ गए खेलने इंडिया टीम? फिर सीनियर टीम से गया मैं जकार्ता इंडोनेशिया में। अच्छा। जो अभी 2 महीना पहले था, तो वहाँ से फिर हमारे 12 प्लेयरों का नया टूर्नामेंट था, फर्स्ट डेब्यू होता है जो। अच्छा। वो था और हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज जीते, क्या बात है। तो वो मेडल मिल जाता है कि मतलब? नहीं सर, मेडल नहीं, मेडल मिल जाता है घर पे होगा? घर पे नहीं सर, वो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पे। तो देखिए ब्रॉन्ज जीत के आए हैं, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना गोल सेव किया और कितना मतलब गोल खाया, इस पे थोड़ा सा बताएं कैसे होता है और क्या सर? मेरे साथ जो एक और टीम में 2 गोलकीपर होता है, तो मेरे साथ जो गए थे वो सीनियर थे। अच्छा। तो वही खेल रहे थे ज्यादातर, मुझे बहुत कम मौका मिला। अच्छा। बट एक्सपीरियंस था। अब धीरे धीरे आप मेन गोलकीपर बनेंगे? सर कोशिश कर रहा हूँ, मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है। चलिए तो देखिए हजारीबाग से हैं पंकज रजक जी और गोलकीपर बनने वाले हैं, मतलब गोलकीपर बनने वाले नहीं, मतलब इंडिया के मेन गोलकीपर अब कुछ दिन में हो जाएंगे। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड पहले ले ही जा चुके हैं, तो प्रतिभा बहुत ज़्यादा है। हॉकी को उतना ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं जबकि हमारा नेशनल गेम है, लेकिन क्रिकेट की तरह लाइमलाइट में नहीं आता है, बहुत लोग तो जानते भी नहीं है कि हॉकी का टूर्नामेंट कब आया कब चला गया। इस पे क्या गवर्नमेंट सोच रही है कुछ? आप लोगों का जब टीम में रहते तो लगता है ऐसा जो मतलब ग्रीटिंग्स या फिर जो इनॉग्रेशन और जो माहौल मिलता है क्रिकेटरों को, वो हॉकी प्लेयर को क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आप भी तो देश के लिए ही खेल रहे हैं ना सर। कहीं ना कहीं मैं इस टॉपिक पे गवर्नमेंट को मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँ, कहीं ना कहीं क्रेज के ऊपर भी आता है, लोगों का क्रेज जिस गेम में होगा, जिस चीज़ के ऊपर होगा उसका TRP ज़्यादा आएगा, तो फिर वो चीज़ अपने आप हाईलाइट होगी। बिल्कुल। जब तक लोग ध्यान नहीं देंगे तो सरकार कैसे ध्यान से? बिल्कुल। सरकार अगर फैसिलिटी पूरी अच्छे से कर दे लोग ही नहीं जाएंगे तो फिर फायदा नहीं है। जी तो देखिए हॉकी अपना गेम है, इसको भी हम लोगों को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा इसके लिए, हॉकी प्लेयर के लिए, और आगे जाके हम लोग उम्मीद है कि ऐसा कर पाएंगे कि हॉकी प्लेयर को भी वही फैसिलिटी मिले जो IPL में या फिर अदर क्रिकेटर्स को मिलती है, क्योंकि स्पोर्ट्स सेम है, ये लोग भी देश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ टीम खेलते हैं। हजारीबाग छोड़े हुए कितना दिन हो गया आपको? बाहर ही बाहर रहते होंगे आप? सर मैं हाँ बाहर ही, 2012 से मैं 2012 में रांची चला गया, फिर वहाँ से सेल राहुल केला,
फिर वहीं से 2017 में मैं भुवनेश्वर चला गया। भुवनेश्वर में मैं जब तक झारखंड में था झारखंड से खेला, फिर मैं उड़ीसा चला गया तो उड़ीसा से भी खेला। अच्छा, उड़ीसा टीम से भी? जी उड़ीसा टीम से भी खेला मैं, सीनियर खेला, सीनियर में, सीनियर स्टेट, सीनियर स्टेट में मेडल भी उड़ीसा टीम का है मेरे, जब जो जिस जिस साल में खेला उस टाइम से। फिर मैं अभी इंडियन ऑयल में हूँ, तो इंडियन ऑयल से एम्प्लॉय भी हैं जी। अच्छा, तो उससे मैं फिर मैं अभी सारी टूर्नामेंट इंडियन ऑयल से, इंडियन ऑयल के डिपार्टमेंट से खेलता हूँ। बिल्कुल, वहाँ से खेलते हैं और फिर जब टीम बुलाती है इंडिया टीम तो उसमें जाते हैं जी सर। वैसे चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं से अब ये एस्टेब्लिश कर गए हैं, इंडियन ऑयल टीम में भी खेलते हैं और भारत के खिलाड़ी हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे हजारीबाग के पंकज रजक जी से, जो हॉकी के गोलकीपर हैं। गोलकीपर सुनने के बाद हमको बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरा दोस्त भी बहुत बड़ा गोलकीपर था हमारे स्कूल में, और जब वो बोलता था एक ही बात हमको, गोलकीपर कोई बनना ही नहीं चाहता है, वो बोलता है कि पीछे खड़ा रहता है, लेकिन ये इंडिया टीम के गोलकीपर हर आदमी बनना चाहेगा, बनना चाहेगा ना। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत जी सर। मैं खेलने के बाद जब कहीं भी जाओ तो मुझे उतना खुशी नहीं होता जितना खुशी मुझे स्कूल जाने से मिलता है। ये पता नहीं क्या चीज है, मैं आज तक नहीं समझ पाया, स्कूल जाने से अलग ही खुशी मिलती है मुझे। तो मैं जाता हूँ बीच बीच में, और कुछ दिन के बाद शायद एक बुलावा आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा, मैं जा सकता हूँ फिर से। अच्छा, जी सर बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे थे पंकज रजक जी से, जो इंडिया के गोलकीपर हैं, इंडिया टीम में खेल रहे हैं। आप लोग इन्हें टीवी में भी देख सकते हैं, अब तो हम लोग इनको फॉलो भी करेंगे देखने के लिए, हर मैच इनका आप देखेंगे, वो कहाँ कहाँ जाते हैं कैसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।